नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए, सुबह के 9:15 बज चुके हैं और हमारा नाश्ते का काम हो चुका है सबका। और ये दोनों भाई अपने काम पे लग गए, कन्हैया चला गया है दुकान पे और इसके पापा अपना ऑफिस में करने लगे हैं। और अभी देखे, मेरा घर आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, फैला, कुछ नहीं काम हुआ। बस नाश्ते का मैंने कर लिया, पूजा पाठ होगी, कान्हा जी को नहला दिया और रसोई भी देखे ऐसे ही पड़ी। अब करूंगी मैं रसोई साफ, उससे पहले मैं लगाऊंगी मशीन। और मशीन मैंने कपड़े 2 दिन से धोए नहीं, कल मैंने इसलिए नहीं धोए थे, मगर कल धोंगी, वरना तो फिर परसों ज़्यादा हो जाएंगे। फिर परसों मतलब कल नहीं धोने की करवा चौथ को, तो आज धो दूंगी तो कल नहीं धोने पड़ने के। इस वजह से मशीन भरी, पूरी भरी पड़ी, 3 दिन हो गए कपड़े नहीं धोए इस वजह से। तो वह भी मुझे लगानी है मशीन, और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक अपना पूरे घर की करूंगी साफ सफाई। अभी तो सारा ऐसा फैला पड़ा। और गुड्डू आज स्कूल नहीं गई, इशू चली गई थी सुबह ही, और गुड्डू ने आज मार लिया छुट्टी। दिखा दूँ आपको, ये देखो, ये अभी अब नालायक बच्चों में आ गई है। अरे कभी कभी तो मारती है, ऐसा है मारती नहीं, छुट्टी है क्या? इशू भी नहीं मारती कभी। आज ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि रात ही करना शुरू कर दिया था कि मम्मी मैं जाने के लिए, बंदा तो कहा भी बहुत, लेकिन रात फिर इसने अपना काम कुम भी नहीं करा, फिर कहने लगी कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मगर चल रहने था, जब तेरा मन नहीं कर रहा तो। अब बस ये करेगी, साफ सफाई का काम करवाएगी मेरे साथ। बेटा गुड्डू, ये जो बैलून वगैरह है ना, ये उतार दे तू, ये ना अच्छे नहीं लग रहे। अरे ये बैलून उतार के एक साइड रख दे, भाई आवेगा वो खेल लेगा। अरे ये झल्लर सी तो घेर दे, ये गंदे से लग रहे, जब उतर गए ना ये, कल दो चार उसमें कृष्णा ने वही पैन मार के ही फोड़े ऊपर ही, वे उतरे तो है नहीं उसमें, फिर वही फोड़ दिए उसने, ऐसा करा। तो ये करेगी सोफों की सेटिंग वगैरह, और ये कवर भी उतार दूंगी इनके, ये भी धो दूंगी। और मैं पहले लगा देती हूँ मशीन, फिर करूंगी और का। तो यहाँ देखिए जी, दोनों माँ बेटी लग गए हैं, मैं लग गई हूँ कपड़े पहले इकट्ठे करूँगी मशीन लगाने में, और उस इधर लगी है गुड्डू इनको बैलून वगैरह को उतारने में, क्योंकि कई दिन हो गए लगे हुए और अभी काफ़ी सारे इनमें से फोड़ भी दिए कल कृष्णा ने, मतलब कुछ उतार दिया कुछ फूट गए, और ये ऐसे ही लग रहे हैं, झालर सी भी इनकी ख़राब हो रही, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं गुड्डू चल उतार दे, और जैसा कितनी बार यहाँ पर लगा लिए, तो ये जो डबल सेडेड टेप होती है ये इस पर चिपक रही, वो उसको चक्कू से उतार रही, और ये जो डबल सेडेड टेप होती है इसको चिपका तो दे मैं दीवार पर, लेकिन दीवार ना ख़राब हो जाती है। और अभी तो चल कलर नहीं हो रहा हमारी दीवार पे, लेकिन जब कलर हो जाएगा तो फिर तो मैं इसे नहीं चिपकाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा निशान होते हैं, कोई भी टेप चिपका लो हो ही जाते हैं, और वैसे सिंपल टेप से ये बैलून वगैरह बिल्कुल भी नहीं चिपकते। तो खैर ये देखिए, गुड्डू चक्कू से जितनी कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं कहा जितनी भी उतरा उतार दें, और जब वो बैलून उतार रही थी वे भी फूट रहे थे क्योंकि इन पर टेप चिपकी हुई थी, इस वजह से एक आध उतरा, दो चार उतरे, दो चार उसके फूट गए, तो पूरी दीवार कर देगी क्लीन। और कलर तो खैर सोच रहे थे कि करवाना, वो तो हुआ ही नहीं इस बार, देखते हैं बस कब होगा, बाकी हो ही रहा है, घर बहुत गंदा सा हो रहा, मतलब दीवारें कलर होने की हो रही है। तो उधर मैंने लगा दी है मशीन, मशीन लगा के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक अपना यहाँ पे मैं ये काम भी कर लूँगी, मतलब ये रसोई साफ कर दूँगी, जो भी साफ सफाई का सारा काम मेरा हो जाएगा फिर मैं निचोड़ दूँगी। तो सबसे पहले मैंने बर्तन कर दिए हैं इकट्ठे जितने भी थे सारे, और उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा करके अपना गैस साफ कर दूँगी। और इधर मैंने रख दिया है गैस पे पानी गर्म करने के लिए, उसमें मैं ये भिगो दूँगी किचन के कपड़े, क्योंकि ये भी मुझे धोने हैं, और ज़्यादातर मैं इनको गर्म पानी में ही धोती हूँ, भिगो कर रख दूँगी थोड़ी देर, फिर बाद में इनको धो दूँगी। तो वो मैंने गैस पर रख दिया, इसमें सर्फ डाल के ये जो किचन के कपड़े ये डाल के रख दूँगी। और इधर अब छान रिता दिया है दूध भिगोने में, तो ये भी साथ साथ पक जाएगा, गैस साफ करके इसको रख दूँगी कम गैस करके पकने के लिए। तो धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे अपना, इधर मैं भी, और गुड्डू थोड़ी सी करने लगी है क्लीनिंग, वो भी साफ़ सफाई करने लगी। और जैसे ही मैं कर रही थी साफ़ सफाई, तो तभी आ गया था इंदु का फ़ोन, वो कहने लगी
कि मुझे लगवानी थी मेहंदी। फेशियल तो मेरा कल हो चुका था, फेशियल तो मैंने करवा लिया, थ्रेडिंग भी करवा ली थी, तो मुझे मेहंदी लगवानी थी। तो वो कल मैंने जिससे हम लगवाते हैं मेहंदी में घर ही आ जाती है लगाने के लिए, तो कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं तो शाम को आऊंगी, 8 बजे का टाइम दिया था, तो मैं तो उसी हिसाब से काम कर रही थी, मैं कहा चलो आराम से हो जाएगा। लेकिन फिर उनका सुबह ही फोन आया, तभी आया जब मैं रसोई साफ कर रही थी कि मैं अब लगा दूंगी, फिर मुझे पार्लर जाना, फिर क्या पता रात को कितना टाइम लगेगा। और मैं तो बोल रही थी उन्हें, मैंने कहा तुम अगर पहले बता देते तो अब तक तो मैं सारा काम अपना कर लेती। और यहाँ बस देखिए मैं आ गई थी, फटाफट से मैं भी आ गई थी, क्योंकि ये आ गई थी, मेरे पास में ही है इनका घर और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो यहाँ ये लगाने लगी थी मेहंदी। और मेरे कपड़े रह गए थे मैं बीच में ही, बाकी काम साफ सफाई का तो गुड्डू ने मैंने दोनों ने फटाफट कर दिया था, क्योंकि फिर ये है भाई देखो कोई हमारे लिए टाइम निकाल के आया, हम उन्हें टाइम ना देवे, टाइम पर ना करें, हमें भी उनका समझना पड़े, तो वो सही बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर कपड़े मेरे धुलने ही लग रहे थे, थोड़े रह गए थे, सफाई का हो गया था। फिर आ गई थी आंटी, तो मैंने आंटी को ही आज बोल दिया था, मैंने कहा आंटी ये पानी में निकाल देना कपड़े आप, और मेरे से तो होंगे नहीं, मैं मेहंदी लगा रही है और मुझे ऐसा इस तरह लगवानी पड़गी, मतलब ये जल्दी आ गई। और अगर मुझे ये पता होता कि ये सुबह ही आएंगी तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती और उसके बाद फिर मेहंदी भी लग जाती। मैं तो अपना आराम से कर रही थी, क्योंकि मुझे तो ये था कि रात को आएंगी, तो फिर मैं सुबह ही आ गई थी जल्दी लगाने। तो दो एक हाथ पे तो पूरे पे लगा दी थी उन्होंने, और एक हाथ पे राइट साइड में लगा दी थी, बैक साइड नहीं लगाई थी, तो बैक साइड लगा रही है गुड्डू। गुड्डू भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती है। फिर मैंने उनको बोल दिया, उनको लेट हो रहा था, मैं कहा चलो कोई नहीं आप चले जाओ, यहाँ पे ये गुड्डू लगा देगी, तो वो लगा रही है मेहंदी। तो मेरी हो गई है मेहंदी कंप्लीट और बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी मेहंदी आज की। तो जी मेरी मेहंदी तो हो गई है, सूख गई थी और मैंने निकाल दी है, और अभी तो थोड़ी लाइट ही है देखिए, और डार्क हो जाएगी सुबह तक, बिल्कुल डार्क हो जाएगी है। तो मेहंदी का काम तो हो गया है, अब मेरा एक काम बचा है शॉपिंग करना, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी। जो मेरी साड़ी है वो भी अभी गई है तैयार होने के लिए, वो भी ब्लाउज अभी दिया मैंने बनने के लिए, साड़ी भी तैयार होगी उसके साथ की। मुझे चूड़ी वगैरह भी लानी है, कुछ भी सामान मैं नहीं लाई जो भी मुझे लाना था कॉस्मेटिक का। तो अब मैं जा रही हूँ बाजार, 2 बजने वाले, खाना खुना सारा हो गया, बर्तन वगैरह आज गुड्डू ने कर दिया, गुड्डू ने आज मेरी बहुत हेल्प करी। तो बस मैं चल रही हूँ बाजार और लेके आऊँगी सामान, और क्या क्या लाऊंगी वो आपको आके ही दिखाऊंगी। बस वहाँ तो आज काफ़ी भीड़ होगी बाजार में, तो वो तो अभी दोपहर से का टाइम ही रहा, तो मगर इस टाइम थोड़ा कम मिलेगी, शाम को ज़्यादा भीड़ मिलेगी, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अभी चली जाऊँ। तो चलती हैं जी, आके दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई। तो शॉपिंग मैंने कर ली है जी, जो लाई मैं खरीद कर वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ चूड़िया, चूड़िया मैं 3 तरह की लेके आई। एक तो ये लाई मर्जेंटा कलर की, और एक ये है कड़े, इनके साथ लगाने वाले, ये इस तरीके से इनमें लग जाएंगे ऐसे इस तरह। और इसमें मुझे ऐड करनी है ऑरेंज कलर की भी है, वो इनका सेट बनेगा सारों का, सेट मैं बाद में बनाऊंगी जब पहनूंगी। अभी मैं एक बार देख लूं, ये वाली ऑरेंज कलर की है प्लेनी, ये इसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा, या किसी और भी तरीके से, और भी चूड़िया है मेरे पास घर पे ही रखी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी अगर मुझे और ज्यादा हैवी बनाना, लेकिन लेके सिर्फ मैं ये ही आई। और ये बस ये कड़े हैं जरकन के, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, किसी भी ड्रेस के साथ ये मैचिंग हो जाएंगे। और एक लेके आई मैं ये मेहंदिया कलर की चूड़िया, जो मेरा वो सूट है ना मम्मी ने दिया गाउन से, उसके साथ की, इसके साथ भी गोल्डन कलर की मैं मिला लूंगी, है मेरे पास, बस फिर मैं ज्यादा लेके नहीं आई, उनका है वो यूज हो जाएंगी, वरना तो फिर ला ला के इकट्ठे कर जाओ, इतनी पहनी तो जाती हूँ। तो ये तो मैं लेके आई नई चूड़िया आज।
और दो लाइम है, दो क्या चार लाइम भिंडी के पत्ते, एक तो ये है, इसमें मल्टी कलर की सारे ही कलर है इसमें, और एक ये है रेड कलर की जर्कन की साइड साइड की, और एक ये सिंपल है शेड वाली, ये देखिए, और एक है ये कलर वाली है, इसमें भी सारे कलर की, ये बड़ा साइज है। तो ये चार भिंडी के पत्ते ले आई, और एक लाई है सिंदूर, और मेरे पास ना लिपस्टिक पहले ही बहुत है, लिपस्टिक वगैरह मैं कुछ नहीं लाई, और ये चूड़ियां भी मेरी पहली, मैं देख रही थी अभी इन्हें लगा के, ये अभी मैंने पहनी ही, तो मैं इनमें ही ये लगा लूंगी। ये कड़े हैं देखिए, बहुत सुंदर है ये भी कड़े, ये देखिए, ये इनका सेट है, वैसे ये कड़े अलग है चूड़ी अलग है, लेकिन ये सेट बन जाएगा, ये इनके साथ ही मिलाऊंगी ना जब कल पहनूंगी जब दिखाऊंगी, तो ये सारा मिला के मैचिंग करके पहन लूंगी। और ये देखो मेरे पास ये मजेंटा कलर की वैसी भी रखी वेलवेट वाली, ये वैसी है कांच की नहीं है ये, तो अगर ये कांच की होती तो यही मेरी आज जो साड़ी पहनूंगी यही चल जाती, लेकिन मुझे लेके आनी थी कांच की, तो ये फिर मैं आज कांच वाली लेके आई सारी चूड़ियां ये वाली, ये वरना मेरे पास नई की नई रखी है, ये लगभग दो साल पहले होगी हुई रखी है, किसी पर चली नहीं, जिस साड़ी के साथ की लाई थी शायद उस पर पता नहीं चली नहीं थी या क्या हुआ था, पहनी नहीं गई थी ऐसी ये हुआ। और एक चीज मैं लेके आई स्पेशल लाई है जूड़ा, ये देखो मुझे ना आजकल जूड़े बनाने का शौक लग रहा है, और बालों से मेरे बनता नहीं है, छोटे बड़े से हो रहे हैं इतना अच्छा, तो ये जूड़ा मैं लेके आई, ये है क्लच वाला, ये देखिए इसके अंदर क्लच है, और ये जूड़ा बन जाएगा इसके अंदर, और बस ऊपर से ये लगा दो और ये ऐसे हो जाएगा, ये कल मैं लगाऊंगी। तो ये जूड़ा फर्स्ट टाइम लेके आई मैं जूड़ा ऐसा, वैसा तो मैं वैसे ही बना लू अपने आप ही, और मुझे गजरा भी लाना था इसके साथ का, गजरा मुझे मिला नहीं, तो इस वजह से बस ये ले आई। और एक लेके आई मैं ये देखिए इयररिंग, और ये देखो सेट, ये दिखा दूं मैं आपको, ये सेट है पूरा, मतलब इसमें नेकलेस नहीं है, ये तो है मांग टिक्का, और ये इसके इयररिंग, लाइट वेट है बिल्कुल, मेरे पास सेट तो है कहीं है तीन चार रखे लगभग, लेकिन वे थोड़े से जो उनके इयररिंग है ना भारी है सबके, और मेरे कान ज्यादा वो हो रहे हैं बिल्कुल लटक जावे हैं, तो ये मुझे थोड़े से आज लाइट वेट के मिले, और ये चाहे सूट पे पहन लो या साड़ी पे अलग ही है इनका, मतलब पंजाबी सा लुक है, तो दोनों पे ये चल जाएंगे, ये देखो, और ये इसका ये मैंने ये भी बिल्कुल लाइट वेट है, देखो ऐसा लगेगा, बाकी तो साड़ी के ऊपर ही देखेंगे लगा के कैसा लगेगा। ले आई पहले तो मैं सोच रही थी ना ले, फिर मैं बस ये इयररिंग की वजह से ही लेके आई लाइट कलर सॉरी लाइट वेट के, तो ये लाइट में, और आज की बस शॉपिंग मेरी यही थी और कुछ नहीं। हाँ एक ये लाइट क्लच, एक ये लाइट क्लच, बस यही मैंने शॉपिंग कर ली, ज्यादा कुछ नहीं करी, और बस और सारी लिपस्टिक आई लाइनर वगैरह सब है, और फेस पाउडर वगैरह मैं कुछ लगाती नहीं क्योंकि मेरी स्किन पर सूट नहीं करता इस वजह से। तो यही थी आज की हमारी शॉपिंग, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो ड्रेस है मेरी वो अभी तैयार होने जा रही, बन कर नहीं आई, वो भी आपको कर ली जब पहनूंगी जब भी पता चलेगा, और बस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।